अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सनम और मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूं सनम किचन एंड डेली रूटीन में आलू के कटलेट्स। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, दो अदद मैंने आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। कद्दूकस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, हम इसमें ब्रेड का यूज़ करेंगे। हरा धनिया लिया है, हरी मैंने मिर्च ली है, 2 अदद लेमन का रस मैंने लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें अपने उसमें हम अपने आलू डाल देंगे, कद्दूकस किए हुए या मैश किए हुए। अब हम इसमें अपनी ब्रेड शामिल करेंगे, उसके साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। लीमू का रस, हरी मिर्च और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से मसाले वगैरह डाले हैं, आप अपने चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम अपना मसाला जो है वो उठाकर हम इनके कबाब बना लेंगे, इनको गोल सी शक्ल देने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम अपने सभी कबाब जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस सभी कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। अभी हम इनकी कोटिंग करते हैं। कोटिंग हम इसकी करेंगे, मैदा हमने लिया है, अंडा हमने लिया है और यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक कबाब जो है वो अंडे में हम डिप करेंगे, उसके बाद हम इसको मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और लास्ट में हम इसके साथ ब्रेड क्रम्स में डिप करके हम इसको बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा कबाब बना है। इसी तरह हम सभी अपने कबाब जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी कबाब की कोटिंग जो है वो हो चुकी है। अभी हम इनको ऑयल में फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें अपने कबाब डालना शुरू करेंगे। और इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कलर लाइट ब्राउन आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इनका कितना प्यारा एक साइड से हमारा कलर आ चुका है। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब जो हैं अच्छे से वो दोनों साइड से तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने सभी कबाब जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं।
आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। खुदा हाफिज़।